आज इस व्लॉग में हम देखेंगे टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ चंडीगढ़। हम लोग आए हैं चंडीगढ़। अभी ये होटल है जहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो गाइस आज हम काफ़ी सारी जगह घूमने वाले हैं, रॉक गार्डन, रोज गार्डन और भी काफ़ी सारी जगह हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम चल रहे हैं सुखना लेक। सो गाइस अब हम आ गए हैं लेक सुखना पे और यहाँ पे मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही है यहाँ पर चीज़ें, जैसे गोल राइड्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें और यहाँ पर झूले मस्त ही लग रहे हैं और यहाँ पर बोटिंग भी की जा सकती है उस लेक में। सो हम चल रहे हैं आगे। अब हम आ चुके हैं सुखना लेक और यहाँ पर अभी बहुत सारे बच्चों के झूले भी लग चुके हैं। पहले जब हम यहाँ आए थे तो ऐसा नहीं था, तो यहाँ बहुत सारी राइड्स हैं बच्चों की भी और बड़ों की भी। राइड की कॉस्ट 120 रुपीज़ पर राइड है। इसके अलावा आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं लेक में और यहाँ पर जो बोटिंग की कॉस्ट है वो 180 रुपीज़ पर पर्सन अप्रॉक्सीमेट है। राइड्स वालों ने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस भी दिए हुए हैं कि आप इतना पर्टिकुलर का पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको इतनी राइड्स मिलेंगी। जाके देख होंगे? अगर पकड़ा तेरे को तो होंगे, अगर नहीं पकड़ा तेरे को तो नहीं होंगे। यहाँ पर आप अपना पोर्ट्रेट भी बनवा सकते हैं। फाइनली हमने गोलू को बिठा दिया है एक राइड में और वो सहमा हुआ सा है, उसे लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ पर बैठ गया हूँ। ये हेलीकॉप्टर राइड गोलू की फेवरेट है और वो इसमें से उतर ही नहीं रहा था, बल्कि एक बार उतरने के बाद कह रहा था दोबारा बैठना है। और कौन भी खाएंगे, तो अभी बस मम्मी आ रही हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे खाना पीना। उठो वहाँ पे, वो देखो कहाँ है, वो उधर देखो जिस पे लाल चादर है, ऊँट है। हाँ मुझे लगा नन्नू है। अरे पापा सच्ची ऊँट है वो। अब हम अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, जो आप देख रहे हैं रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन फेमस गार्डन है। उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वेस्टेज से बनाई गई हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो यहाँ का ये मेन अट्रैक्शन है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही कलाकारी इसमें की गई है। अगर आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो एक एक चीज़ पर बहुत मेहनत लगी है। श्री नेकचंद ने इस गार्डन को बनवाया था और इसे रॉक गार्डन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चारों तरफ आप देखेंगे रॉक्स ही, और कितने पतले पतले रास्ते हैं जैसे पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं। सभी लोग यहाँ पे जाते हैं, इवन जो मेरी मदर है उनको तो डर लग रहा था कि इसके अंदर जाकर के हम कहीं खो ना जाए, हम पता नहीं वापस भी निकल पाएंगे या नहीं। उनको ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ट्रैप ना हो जाए। वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हैं तो यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए चारों तरफ कितना बढ़िया दिख रहा है। छोटा सा रास्ता है, इसमें हमें बिल्कुल लाइन बना के चलना पड़ रहा है। हम सभी टूरिस्ट बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं और सभी देख रहे हैं आपकी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं रॉक्स की। रॉक्स पे देखिए जो डिज़ाइनिंग है, अगर हम समझें सोचें तो कितनी मेहनत लगी होगी इनको डिजाइन करने में। और यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अब आगे जाके थोड़ा सा रास्ता खुला हो रहा है और जहाँ पर रास्ता खुला हो रहा है लोग वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं बैठने की, घूमने फिरने की, फ़ोटो लेने की। और सही में ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है रॉक गार्डन में यदि आप फैमिली के साथ आते हैं। अभी जो चंडीगढ़ रहते हैं उसके लिए तो कुछ नहीं, उन्होंने कई बार घुमा होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन हम लोग के लिए काफ़ी कुछ है। अब देखिए यहाँ पर फिर आगे से कितना पतला रास्ता है। मेरी मॉम आगे चल रही हैं, पीछे एंजल मेरी डॉटर है, उनके पीछे मेरी वाइफ दीपिका चल रही हैं और साथ में हमारा छोटा उस्ताद यानी गोलू यानी अंगद चल रहा है। अब यहाँ से हम देखिए बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे ना जगह जगह इन्होंने साइन बना रखे हैं दिस वे, ताकि हम कन्फ्यूज ना हो। और देखिए हम किसी जगह पर आ गए, यहाँ कितनी सारी स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं, यहाँ पे लोग बेसिकली फ़ोटो खिंचवाते हैं। हमने भी खूब फ़ोटोज़ खिंचवाई और हम गोलू को बोल रहे थे बैठने के लिए हमारे पास, तो वो हमारे पास बिल्कुल नहीं बैठा, उसे अलग बैठना था। देखो कहाँ जाके बैठ रहा है,
बिल्कुल अलग बैठा है फ़ोटो खिंचाने के लिए, हमारे साथ भी नहीं बैठा, दादी और दीदी के पास भी नहीं बैठा। यही तो स्वैग है, बच्चों की अपनी मर्जी होती है, आप कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए पानी वाली जगह आ गई, ओ बढ़िया, वाओ कितना बढ़िया, देखिए वाटरफॉल है। हमको डर भी लग रहा था पैर ना फिसल जाए, पानी में गिर जाओगे, इसलिए मेरे इंस्ट्रक्शन थे बहुत संभल के जाना, और मैं इनकी वीडियो बना रहा था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और कोई बाहर से आता है बहुत ही अच्छा लगता है। अब इससे आगे जाने का जो रास्ता है ये फिर से देखिए पतली गली से होके जा रहा है। सो गाइस हम लोग रॉक गार्डन में हैं, और ये बहुत ही अच्छा है, हम झरने पे भी गए थे अभी, और वहाँ पे मैं आधे से ज़्यादा भीग के आ गई हूँ, और ये हम फाइनली पतली गली से निकल के आ चुके हैं वाइडर पार्क। अब हम इसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, डायरेक्शन हमको मिल रही है, जगह जगह साइन बोर्ड लगे हैं। अगर डायरेक्शन नहीं है तो इसके अंदर जाना और वहां से बाहर आना दोनों ही बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन डायरेक्शंस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और वहाँ पे कुछ डोम टाइप से घर सा बना हुआ है ऊपर। रॉक गार्डन में एक बात और है, यहाँ पे अंदर जाके झूले भी हैं, तो हम पहले गए थे तो हमने वहाँ झूले झूले थे, तो हम आपस में बातें कर रहे थे कि हम जाकर वहाँ झूले झूलेंगे, तो रास्ते से कोई आ रहे थे बोले यहाँ झूले भी हैं, हम तो पूरा रॉक गार्डन घूमा है हमें तो कहीं झूले दिखे नहीं, तो फिर हमने उनको समझाया कि आप पूरा नहीं गए होंगे अंदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, हम घूम के आ गए थे और हमें झूले पता नहीं चले थे, सेकंड टाइम में हमें पता चला अंदर झूले भी हैं, तो यानी वो जगह अंदर है काफ़ी, तो आपको वहाँ तक जाना होगा, तो आपको वहाँ पे झूले मिलेंगे, वहाँ कैफ़े भी है, वहाँ उस समय पे कैमल राइड भी होती थी, शायद अभी नहीं होती है लेकिन जब हम पहले गए थे तो तभी होती थी, और वहाँ पर फनी मिरर्स भी लगे हुए हैं, और इसके अलावा वहाँ पर एक और चीज़ एक्वेरियम है, बहुत ही प्यारा एक्वेरियम है, तो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, वापस आ जाते हैं रास्ता भटक करके, तो आपको ऐसा नहीं करना। आप अगर चंडीगढ़ रॉक गार्डन गए हैं आप पूरा देख के आइए, पूरा एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही बढ़िया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और जैसे आप देख पा रहे हैं फॉरनर भी यहाँ पर आए हैं, और कितनी बढ़िया डिज़ाइनिंग इसकी हो रखी है, मतलब बिल्कुल लाजवाब। रॉक गार्डन में एंट्री के लिए केवल 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट देना होता है, जो कि कुछ भी नहीं है, और इतना अच्छा अट्रैक्शन है कि आपको घूमते हुए सच में बहुत मजा आएगा। यहाँ पे ये फील्ड ऐसे जा रहा है एकदम स्नेक की पोज में, और अभी बहुत ही अच्छी है सीढ़ियाँ भी, रेलिंग ऐसे डेकोरेट है, पहले हमें फ्रिज क्रॉस करना होगा, लेकिन ये आगे भी रास्ता पता नहीं किस यहाँ से। जब हमने कैमरा घुमाया तो सामने देखिए रॉक पर कितनी अच्छी डिजाइनिंग हो रखी है, ये देखिए ये देखिए, मतलब इसमें कितनी कलाकारी लगाई गई है, कितना दिमाग और कितनी मेहनत लगी होगी, और कितनी विशालकाय ये रॉक आपको दिख रही है। अभी हम आगे यहाँ से जाएंगे, यानी यहाँ तो खाली फ़ोटो खींचने के लिए हम लोग आए, अभी जब हम वापस जा रहे हैं तो सामने जो आप ये पतली सी गली देख रहे हैं इससे होकर के हमको जाना है, और फिर देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। अब यहाँ से हमने लाइन बना के चलना फिर से शुरू किया, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम नई नई चीज़ों को देख रहे हैं, यानी आपको पता नहीं होगा कि अभी हमारे सामने क्या आने वाला है, और जब कोई चीज़ आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही तरीके से इसे बनाया गया। अभी देखिए ये हम गए, और अब कितनी पतली सी ये जगह है जहाँ से हम निकल रहे हैं, और जो सामने आप लोग देख रहे हैं उधर से हम आए थे, अब इधर को जा रहे हैं, और ऐसे आपको आगे बढ़ते जाना है। इन्हीं रास्तों की वजह से लोग कन्फ्यूज होकर कई बार आधे से ही वापस लौट जाते हैं और पूरा नहीं जा पाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि रॉक गार्डन में हर जगह आपको नई चीज़ दिखेगी, देखिए अब जैसे ये रास्ता है छोटा सा, हम इसमें जा रहे हैं, ये आपको जो वाइट वाइट टुकड़े दिख रहे हैं ये सब वेस्टेज है, यानी कि जो हमारा शीट से या चीनी मिट्टी के जो भी सामान होता है उसका जो वेस्टेज है उससे इन्होंने बना रखा है। इसी तरह से जिधर ब्लैक वाली दीवार आप देख रहे हो ये भी वेस्टेज से बनी है,
और ये सारे वेस्टेज को देखो इन्होंने कैसे यूज किया है, और इसके ऊपर जो आप ये डंडी डंडी देख रहे हो उस पर गोल गोल लगे हैं दिए की तरह, ये भी कुछ वेस्टेज है और उस वेस्टेज को इन्होंने यूज किया, यानी पूरा वेस्टेज के थ्रू बनाया गया है। और इसी वेस्टेज से रॉक गार्डन में ऐसी कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और अब देखिए जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पे पाइप भी है, आपको सिर बचा के जाना होगा, यदि आप लंबे हैं तो ये आपके सिर पे लग सकता है। जैसे आप इससे बाहर निकले अचानक से कोई नई सी चीज़ फिर आपके सामने आएगी। देखिए कितनी सुंदरता के साथ इसे पूरा तराशा गया है। ये सब वेस्टेज के पार्ट हैं जो भी आप देख रहे हैं, और देखिए कितना सुंदर तरीके से इन लोगों ने हर एक चीज़ का किस तरह से यूज किया है। आगे भी आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। माइंड योर हेड, सिर बचा करके आपको जाना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे डोर्स हैं जिसमें आपको सिर झुका करके जाना पड़ता है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी। देखिए फिर हम कहीं पर आ गए और यहाँ पे एक वाटर पॉन्ड है छोटा सा, और चारों तरफ जो आप ये स्टिक्स देख रहे हैं इसके ऊपर भी वेस्टेज से बना हुआ ये पूरा है, और देखने पे कितना अद्भुत लग रहा है कि क्या नई सी चीज़ हम देख रहे हैं। और ये जो आप सामने दीवार देख रहे हो इस पे वो छोटे छोटे बिजली के पार्ट लगे हुए हैं, ये देखिए टूटे हुए बिजली के पार्ट्स हैं सारे ये, जिससे ये बना हुआ है। जो चीनी मिट्टी के बिजली के वो होते हैं होल्डर वगैरह, उनके टूटे हुए हिस्सों से मिलकर वो बना हुआ था। इसी तरह से फिर एक और गेट हमने पार किया और अब हम आ गए यहाँ पर, एक वेल है यानी कुआँ है, और इस कुएं में देखने में पता चलता है लोगों ने पैसे डाले हुए, जो हमारे यहाँ पे टेंडेंसी होती है कि कहीं पे भी कुआं और उसमें पानी हो तो उसमें पैसे जनरली डाल दिए जाते हैं। फिर से एक और वाटरफॉल आया बड़ा सुंदर, और यहाँ पे भी हमने थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें अचानक से कुछ आवाज़ें आने लगी, जिससे पता चला अभी कुछ नया आने वाला है। हम हैरान थे कि ये आवाज़ किस चीज़ की है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वो आवाज़ तेज होती चली जा रही थी, और हम सिर्फ आवाज़ के डायरेक्शन में ही आगे चल रहे थे, देखने को उत्सुक थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस प्रकार से यहाँ पे स्क्रीन लगी है जो कि रॉक गार्डन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करती है, और साथ ही साथ आपको चीज़ें दिखाती है जिससे आपको इतिहास भी पता चलता है कि रॉक गार्डन का प्रॉपर इतिहास क्या रहा है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। देख करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और आप यहाँ बैठकर जितनी देर चाहें ये नॉलेज ले सकते हैं। In nature's imagination, this wall made of pictures is also a part of the musical. These walls have been placed in such a manner that one can see through them. This place, popular all over the world as Rock Garden, is divided into three phases. The first phase has the Royal Palace and is the center of many activities related to it. The second phase has been earmarked for the common people. Here all shades and hues of life have been created. इसके बाद ये जानकारी लेने के बाद हम लोग आगे बढ़े, और हम खोज में थे उसी जगह की जहाँ पहले गए थे, जहाँ पर झूले वगैरह थे। देखिए आप आगे कितना सुंदर झरना गिर रहा है, झरझर की आवाज़ आ रही है। दोनों साइड रास्ता है, अभी हम इसके इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा आगे जाकर ही वो चीज़ हमें मिलेगी जहाँ पर झूले लगे हुए थे और लाफिंग मिरर्स वगैरह थे। तो रास्ता देखिए कितना खूबसूरत, रॉक की डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे और रॉक की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा किसी महल का ये रॉक है। लाइक जैसे किले होते थे ना, किले के बाहर बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, अभी कैमरा घूमेगा तो आप देखिएगा कि इसकी दीवारें कितनी विशालकाय हैं और किस तरह से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखिए कितनी बड़ी दीवार है, ये देखिए पूरा किस तरह से रॉयल इन्होंने बनाया हुआ है, कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में, हम लोग शायद इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज हर रोज़ यहाँ विजिट करती हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ घूमने आते हैं। आप भी रॉक गार्डन आएँ तो यही ध्यान रखें कि आपको पूरा रॉक गार्डन घूमना है, क्योंकि कन्फ्यूजन कई बार बहुत होती है, यहाँ तक आदमी पहुँचता ही नहीं, इससे पहले ही वापस चला जाता है।
और आप अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आपको और नए नए नज़ारे दिखेंगे। देखिए रॉक गार्डन में जब आप आगे आए तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पेड़ है इसके पीछे जो दीवार बनी है ये पूरी चीनी मिट्टी के टुकड़ों से बनी है जो कि वेस्टेज होता है, यानी वेस्टेज को इतनी खूबसूरती से इन्होंने लगाया है कि देखने वाला सोचेगा कि वाह। और ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, हम देखते हैं हमें लगता है कुछ नहीं है बट जिसने करा होगा उसे पता चला होगा। अब पापा मम्मी स्टंट मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो पापा चिल्लाते हुए आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है पापा गिरेंगे जरूर। अब पापा रुकने के लिए कह रहे हैं, मम्मी को समझ में नहीं आ रहा उनको रोकना कैसे है और पापा को भी नहीं आ रहा रोकना कैसे है। अब पापा देखते हैं क्या करते हैं। अब पापा गोल गोल खेल रहे हैं। लोगों ने नोटिस करा है कि यहाँ पे ऐसी भी है मूर्तियाँ टाइप, और अब मेरे नाक पे गिर चुका है बरसात का एक बूंद, यानी कि होने वाली है बरसात। तो हम लोग वापस चल रहे हैं फटाफट से। देखो कितने सारे जानवर बने यहाँ पे सारे वेस्टेज से, ये देखो ये डियर बैठे हुए आम लोग, आम आदमी आम की तरह लटके हुए बैठे हैं। ये जितने भी स्टैचूज आप देख रहे हो ये सारे भी वेस्टेज से बने हुए हैं, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और भी कुछ स्टैचूज दिखेंगे। ये देखिए ये कॉमन पीपल की स्टैचूज हैं, ये सारे भी वेस्टेज से बने। यदि आप इनको पास से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं, लेकिन जो भी चीज़ आपकी वेस्ट है उन सबको मिला करके ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। अब हम बाहर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और हमें डर है कि हमारे बाहर पहुंचने से पहले ही कहीं बारिश स्टार्ट ना हो जाए वरना सब भीग जाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा तेज़ चल रहे हैं ताकि हम बाहर निकल सकें। और फाइनली ये हम रॉक गार्डन से बाहर आ गए हैं। अब रॉक गार्डन से बाहर आती बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी इसलिए हम एलांटे मॉल में एंटर कर गए हैं ताकि हम बारिश से भी बच जाएं और घूम भी लें। ये चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है। यहाँ पर मिस्टर वेज करके एक फूड कोर्ट में आउटलेट है, वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, तो आप लोग भी यहाँ जाएं तो वहाँ ट्राई जरूर करें, स्पेशली अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो। तो अभी हमने रोज गार्डन में एंटर कर लिया है, ये बहुत ही सुंदर गार्डन है और आप यहाँ देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स हैं और रोज की बहुत अलग अलग वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेंगी, हर तरह के लगभग रोज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बच्चों के झूले भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर डुग्गू ने बड़ा एंजॉय किया, ये देखिए कैसे डुग्गू आ रहा है। डुग्गू की दीदी ने भी काफ़ी एंजॉय किया और डुग्गू के पापा ने भी काफ़ी एंजॉय किया। तो आप यहाँ गुलाब की वैरायटी देख सकते हैं, देखिए ये पिंक लाइट पिंक गुलाब, इसी तरह से आपको रेड गुलाब, डार्क रेड, ये देखिए ये प्रॉपर पिंक है, और इसी तरह से बहुत सारी वैरायटी हैं और उनके नाम भी साथ साथ लिखे हैं,
बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, नेचर की बात ही अलग है। कभी भी हमें इस तरह के फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, बगीचे को गुलजार रहने देना चाहिए, और चंडीगढ़ में सब लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ये हमने खुद देखा है। रोज़ गार्डन में चारों तरफ से रास्ते हैं जिनसे आप रोज़ गार्डन में एंट्री कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। अब इसके बाद हम निकल रहे हैं सेक्टर 17 की मार्केट घूमने। सो गाइस, हम लोग ये सेक्टर 17 के मार्केट में आ चुके थे और हम लोग अब इसमें ना काफ़ी जगह घूम लिया। चंडीगढ़ में सेक्टर 17 की मार्केट बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, लोकल शॉप्स भी मिल जाएंगी, तो जैसी भी शॉपिंग आप करना चाहते हैं सभी चीज़ें लगभग यहाँ पे मिल जाएंगी। और फूड की बात करें तो यहाँ पर सिंधी स्वीट्स और उसके ठीक सामने सागर रत्ना है, जो कि फूड के लिए बहुत फेमस है। प्योर वेजिटेरियन फूड दोनों जगह पर मिलता है, तो हमने भी इस बार सिंधी स्वीट्स ट्राई किया जो वाकई बहुत अच्छा था, वहाँ का फूड बहुत अच्छा है। तो आप भी अगर जाएँ तो सिंधी स्वीट्स ट्राई कर सकते हैं। देखिए ठीक सामने आपको सिंधी स्वीट्स का बोर्ड भी दिख रहा है, अभी हम उधर ही मूव कर रहे हैं। और सिंधी स्वीट्स में खड़े होकर के आप ठीक सामने देखेंगे सड़क के उस पर, तो वहाँ पर आपको सागर रत्ना दिखेगा। किसी ने हमें सजेस्ट किया था कि अगर आप सेक्टर 17 की मार्केट जाएं तो इन दोनों में से कहीं पर ट्राई कीजिएगा, इसलिए हम आ गए हैं सिंधी स्वीट्स में।